हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लाए हैं कि कैसे अगर आपके पास कोई कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप अपनी उसकी स्पीड को कैसे हम दोगुना कर सकें, कैसे उसकी स्पीड को बढ़ा सकें। तो उसके लिए अब हम क्या करें कि हमारा लैपटॉप की स्पीड दोगुनी हो जाए। सब लोग बोलेंगे भाई रैम बढ़ा दो। रैम तो बढ़ाई ठीक है, वो तो चलेगा, लेकिन उससे आपकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं होगी कि आप सोच लें कि हम अपनी स्पीड और तेज़ हो जाएगी इससे। रैम अगर हमारा 4 GB है तो हम उसको कर दें कम से कम 8 GB या 12 GB। तो उससे क्या होगा कि रैम आपके ऐप को चलाने के लिए जो होता है स्पेस वो प्रोवाइड करता है, और आपके कंप्यूटर की स्पीड को कैसे इसको स्पीड अप करेगा। तो उसके लिए आप क्या करें कि आपके पास जो भी हार्ड डिस्क उसमें इनबिल्ट है तो उसको आप SSD में कन्वर्ट कर दें। तो SSD में आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी स्पीड दुगना हो जाएगी। जैसे कि ये है, तो हमने लिया था ये SSD 500 GB का। ये काफ़ी इस टाइम तो अभी नया लॉन्च हुआ है। SSD क्या होता है, मतलब कि स्पीड कैसे दुगनी कर सकते हैं, तभी भी नया लॉन्च हुआ इसलिए काफ़ी महंगा है। तो ऐसे ना देखो भाई, इसको एकदम खाली है, कुछ नहीं है, एकदम खाली है। तो जो भी है SSD, तो आप अपने अगर कंप्यूटर में डालेंगे तो आपकी स्पीड इससे बढ़ जाएगी। मेरे साइड में जो स्क्रीन आ रहा होगा उसमें आपको दिखा रहा होगी कैसे SSD है और यह है। तो आपका जो बचा रहेगा SSD, चलिए आपके लग गया, आपकी स्पीड इससे आप खुद फील करेंगे कि हाँ काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये विंडो प्लेटफॉर्म दे रहा है अपनी स्पीड अप करने के लिए। तो अभी जो आपका बच गया है हार्ड डिस्क जो निकल आया है, उसको हम कैसे एज अ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करें। एक तरफ से आपके पास एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हो जाएगी, उसके साथ साथ आपके परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ हुआ हार्डवेयर के इफेक्ट से कैसे हम अपने कंप्यूटर को बढ़ा सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर के लिए भी हमने कुछ चीज़ें बताया हैं। आप अगर वीडियो में जाएंगे स्टार्टिंग में तो आपको मिलेगा कि कैसे एक टेम्प्रेरी फाइल को हटा सके। और अगर वायरस आ गया है किसी तरह से, क्योंकि आजकल नॉर्मल है कि भाई हम अपना सॉफ्टवेयर है उसको क्रैक कर रहे हैं, क्रैक करके डाउनलोड कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, क्रैक के नाम पे आपके वायरस दे देते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा, क्योंकि वो लोग बोलते हैं फायरवॉल बंद करना पड़ता है। तो अगर आप फायरवॉल बंद करेंगे तो मतलब कि आप उनको अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आओ भाई मेरे कंप्यूटर के अंदर इंटर कर जाओ। तो ये लोग अपना अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, पता नहीं कौन कौन से प्लेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो उससे वायरस आ जाता है। तो उसको हटाने के लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे, देखिएगा। थैंक यू।